हमें टिप मिली है कि लॉरेंस कॉग में कुछ हुआ है। नॉर्वे के अमीर लोगों में से एक की वाइफ किडनैप हुई है। किडनैपर्स ने परिवार से क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग की है। किडनैपर्स ने पुलिस या मीडिया के शामिल होने पर एलिजाबेथ हागन को जान से मारने की धमकी दी है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करना चाहिए। लेकिन कैसे कह सकते हैं ये किडनैपिंग ही है? इतना पता है कि उस सुबह लॉरेंस कॉग में कौन था जो उस औरत को लेकर गया? अलग होने की अर्जी, क्या ये साइंड है? हाँ, 9 साल बाद 2012 में। कहीं इसके पीछे टॉम तो नहीं? मुझे लगता है हमें ये कोवर्ट इन्वेस्टिगेशन बंद करके इसे पब्लिक कर देना चाहिए। तो ये मुमकिन है कि ये कभी किडनैपिंग थी ही नहीं, एक होमसाइड था। तुम लकी हो कि तुम्हारे पुलिस में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। ये समझौता है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन हमसे शेयर करते हैं और हम उसके बारे में लिखते हैं। उन्होंने टॉम हागन को अरेस्ट कर लिया, वो चाहते हैं मैं उनका केस लड़ूं। मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक लीड ढूंढ निकाली जिस पर पुलिस काम नहीं कर रही। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं? आज नहीं तो कल हम उसे एक्सपोज करके ही रहेंगे। हम गलत हुए तो सोचो, कहीं हम एक बेगुनाह आदमी को कातिल तो साबित नहीं कर रहे। टॉम को रिहा किया जा रहा है, वक्त बहुत कम है। हम उनके मिल जाने तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे।